हेलो दोस्तों, सरोज अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्या है नींबू की चाय लेके आई हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, सर्दी जुकाम होना आम बात है, लेकिन अपन क्या मिस्टेक करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से अपनी चाय अच्छे से बनती नहीं है, ना ही अपनी सर्दी जुकाम निकलती है। तो फिर चलिए ये सारे ट्रिक और सारे राज इसी वीडियो में जान लेते हैं और ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। लेमन टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नींबू लिया है। अब क्या है, बहुत लोग बहुत टाइप से नींबू की चाय बनाते हैं। अब जैसे मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरा गला खराब है, मेरे सर्दी जुकाम लगी हुई है, तो मैं उस टाइप के लिए ये नींबू की चाय बना रही हूँ। तो अपन क्या करेंगे, इसके दो भाग कट कर लेंगे लेमन के, ऐसा आपको कट कर लेने हैं। और यहाँ पर मैंने एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया, एक कप के अकॉर्डिंग अपन ये सारा मेजरमेंट देख रहे हैं, दो तीन काली मिर्च, आप लौंग भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये दोनों ही इसमें ऐड करूंगी, काली मिर्च और प्लस में ये अदरक, और इन्हें क्रश कर लेंगे ऐसे। अब इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है और ये जो पेस्ट अपन ने बनाया है वो एक बर्तन में डालेंगे। और मैंने यहाँ पर जैसे बताया है कि एक कप के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया है। आपको दूध वगैरह ऐड नहीं करना है, ना ही इस टाइम आपको लेमन ऐड करना है, बस आपको एक कप पानी ऐड करना है। फिल्टर हो तो ये और अच्छी बात है, अगर आपके पास नॉर्मल पानी है तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हो। जैसे गैस ऑन करके इसे पानी में उबाल आने देंगे और एक कप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक चम्मच शक्कर की ऐड कर रही हूँ। गुड़ वगैरह ऐड नहीं करना है, शक्कर ही आपको ऐड करनी है। अपन जो नींबू की चाय बनाते हैं उसमें जो गलती करते हैं ना सबसे बड़ी, वो होती है चाय पत्ती की, कि चाय पत्ती कितना डाले। कुछ लोग एक कप में ही भरकर चम्मच चाय पत्ती डाल देते हैं, कुछ हाफ चम्मच चाय पत्ती ऐड कर देते हैं, लेकिन चाहे आप कोई सी भी कंपनी की लो, आपको थोड़ी सी, मैंने ये देखी हाफ से भी कितनी कम ली है, लेकिन एक कप बना रहे हैं तो बस नाम मात्र का कलर चाहिए अपन को चाय पत्ती का। तो मैंने थोड़ा सा ही चाय पत्ती, और जो ये थोड़ी सी हाफ से भी कम ली है ना, उसमें से भी मैंने चाय पत्ती बचा ली है, तो अपन नाम मात्र का ही डालते। और देखिए डालते ही इसमें जैसे ही पानी में उबाला ये अपना कलर छोड़ने लगेगा, और एक बार अपन ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से तीन चार बार इसमें उबाल आने देंगे। इसे क्या है, चाय पत्ती अपना कलर छोड़ दे, अदरक अपना रस छोड़ दे, तो ये टेस्टी चाय बनेगी अपनी। फिर दो तीन बार उबल चुकी है, अब अपन नीचे से गैस बंद कर देंगे। अब ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है, जैसे जितनी मैंने चाय पत्ती आपको ऐड करने के लिए बताई है उससे ये इसका कलर देखिए कितना ज्यादा अच्छा कलर आया है इसमें। और इसमें गैस बंद कर देने के बाद अपन नींबू डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नींबू को ऐसे मिक्स कर लेंगे इसी में। और वही मैंने एक कप लिया है और इसमें मैं यहाँ पर छान रही हूँ, इसका कलर और ज्यादा थोड़ा बहुत लाइट हो जाता है। और ये लीजिए अपनी लेमन टी बनकर तैयार हो चुकी है, और एक लेमन इस पर यहाँ पर लगा देंगे। अगर आपकी सर्दी जुकाम है तो आप दिन में दो तीन बार इसे पी सकते हो, और अगर नॉर्मल अगर आप पीना चाहते हो तो सप्ताह में सर्दी में एक दो बार आप इसे पीजिएगा तो सर्दी जुकाम लगेगी नहीं। और थोड़ा सा अपन ने इसमें लेमन भी ऐड किया है तो ये शरीर के विषैले तत्व बाहर निकालता है, स्किन में निखार आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको बेनिफिट बता दिए हैं, पीने का सही टाइम बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।